फिर से एक बार सुमी के किचन में स्वागत है आप सभी को। तो आज बनने जा रहा है सुमी के किचन में गुन्द्रुक। गोरखाली नेपाली ट्रेडिशनल फूड है ये। तो इसको थोड़ी देर पानी में भिगोकर धोकर फिर छान के रखेंगे। अब इसके साथ में मिक्स होने वाला है मसूर की दाल, लाल वाली मसूर की दाल। तो यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें 5 फोरन का चॉप, उसमें प्याज, फिर जो धोया हुआ गुंद्रुक को हम थोड़ी देर तेल में फ्राई करेंगे। जनरली दाल में हम जीरा का छौंकी देते हैं, लेकिन इसमें 5 फोरन का छौंकी अच्छा लगता है। अब यहाँ मिक्स करेंगे लहसुन, कुछ हरी मिर्च और अदरक की एक छोटी सी टुकड़ा को हम क्रश करके रेडी किया हुआ है, यही मिक्स करके फिर फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। फिर हल्दी, उसके बाद फिर एक बार फ्राई। अब हम जो धो के छान के रखा हुआ दाल मसूर की, तो वो मिक्स करने वाले हैं। अब इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। आज मिट्टी की कढ़ाई में ही बन रही है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दाल को पकने में, क्योंकि कुकर में फटाफट हो जाता है, लेकिन कढ़ाई में स्वाद भी बढ़िया, समय भी थोड़ा लगता है ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। और अब हम यहाँ पे गर्म पानी मिक्स कर रहे हैं। गुंद्रू का झोल, सिंकी का झोल, ये तो सुना होगा, खाया होगा, पर दाल में मिक्स किया हुआ गुंद्रू का स्वाद ये भी बहुत बढ़िया, और उसमें भी कढ़ाई में बना हुआ मिट्टी की कढ़ाई में। कुकर का स्वाद अलग होता है, लेकिन कढ़ाई में बनने वाला स्वाद अलग ही होता है। अभी हम दाल घुटने से अभी कुछ मिक्स करेंगे इसको इस तरह, फिर दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो अगर गुंद्रू का स्वाद आप लोग को पता नहीं है, तो साउथ इंडिया में जो रसम बोल के मिलता है, वो स्वाद और गुंद्रू का स्वाद कहीं कहीं सिमिलर होता है। बन के तैयार। अब ये हम लंच के लिए रेडी कर रहे हैं। अगर आप लोग ने नहीं खाया तो एक बार दाल के साथ ऐसे मिक्स करके स्वाद लीजिएगा, बहुत बढ़िया होता है, यूनिक वाला स्वाद है ये। रेसिपी बहुत सिंपल है, बट स्वाद बहुत यूनिक है। तो ऐसे ही सुमी के साथ बने रहे। ये वीडियो अंतिम तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक मस्त रहे, व्यस्त रहे, पर स्वस्थ भी रहे। धन्यवाद।